हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो आपके वीडियोस की क्वालिटी बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी कैसी है। और अगर आपके वीडियोस में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो आप एक अच्छे एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज करके अपनी वॉइस क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी वॉइस क्वालिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही लो कॉस्ट माइक्रोफोन से, तो अगर आपका बजट बहुत कम भी है तब भी आप इनको अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैं एक एक करके इन तीनों माइक्रोफोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आपको इनमें से कोई माइक्रोफोन अच्छा लगता है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ गाइस, हमारे लिस्ट में फर्स्ट माइक्रोफोन है मोनो AU400। तो ये एक ओमनी डायरेक्शनल लेवेलियर माइक्रोफोन है। अब यहाँ लेवेलियर का मतलब होता है कि जिसको आप अपने गले में पहन सकते हैं या फिर अपने कपड़ों से अटैच कर सकते हैं। तो इस मोनो AU400 माइक्रोफोन में आपको 3.5 mm का जैक कनेक्टर मिलेगा जिसको आप स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट इन सब चीजों में लगा के डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इस माइक्रोफोन में आपको अडैप्टर भी मिलता है जिसको यूज करके आप DSLR में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसका जो वायर है वो 6 feet लॉन्ग है, तो अगर आप अपने DSLR या स्मार्टफोन से थोड़ी दूर पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये लेंथ उसके लिए बेस्ट है, आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको विंडशील्ड और क्लिप भी मिलती है, तो अब इस क्लिप का यूज करके आप इसको अपने कपड़ों पे अटैच कर सकते हैं। और जब आपकी रिकॉर्डिंग का काम खत्म हो जाए तो आपको इस माइक्रोफोन के साथ ये पाउच भी दिया जाता है और आप इस माइक्रोफोन को इसमें स्टोर कर सकते हैं। नो अगर बात करें इसके रेटिंग की, तो Amazon पे इसको 4-star रेटिंग मिली है और 15,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस 438 rupees है, तो ये काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और आपका अगर बजट कम है तो आप इस माइक को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद नंबर 2 है Smashtronics का कॉलर माइक्रोफोन। अब ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, यानी चारों तरफ के साउंड को ये अच्छे से कैप्चर कर सकता है। एंड इसके साथ ही ये भी प्लग एंड प्ले डिजाइन पे बेस्ड है, तो आप इसको स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह में आराम से प्लग करके अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ जब आप इस माइक्रोफोन को खरीदेंगे तो साथ में आपको एक अडैप्टर, एक विंडशील्ड, एक क्लिप, एक एक्सटेंशन कॉर्ड और एक पाउच मिल जाएगा। तो आप इस अडैप्टर का यूज करके इस माइक्रोफोन को कैमरा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके वायर की लेंथ ज्यादा बढ़ानी है तो आप इस एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब इसका काम ना हो तो आप इसको इस पाउच में स्टोर कर सकते हैं। नाउ इसके रेटिंग की बात करें तो इसको भी 4-star रेटिंग मिली है और इसको भी 2200 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है, तो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 499 rupees में अभी मिल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको जाके परचेस कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो 3rd नंबर पे है, जो मेरा फेवरेट है और मैं इसको अभी भी यूज कर रहा हूँ, इनफैक्ट की ये रिकॉर्डिंग भी मैं इसी माइक से कर रहा हूँ, और वो है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। तो ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल लेवेलियर माइक्रोफोन है और साथ में आपको इसमें 3.5 mm का जैक मिलता है, तो आप इसको स्मार्टफोन वगैरह में डायरेक्टली प्लग करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में इसमें भी आपको अडैप्टर वगैरह मिल जाता है, तो आप DSLR वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि बैटरी पावर्ड है, और जब आप इसको DSLR वगैरह में यूज करेंगे तो आपको यहां से ऑन करना होगा, तब आप DSLR वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। ना उसमें भी आपको पाउच, विंडशील्ड, क्लिप वगैरह मिल जाता है, तो इसलिए आप इसको अपने कपड़ों पे कहीं भी अटैच करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके रेटिंग की बात करें तो इसको भी 4-star रेटिंग मिली है, और अमेजिंग बात यह है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया है, यानी इससे भी कहीं ज्यादा लोगों ने इसको परचेस किया होगा। तो इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड मैं पर्सनली भी इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, और साथ में जो वॉइस मैं इससे रिकॉर्ड करता हूँ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये माइक्रोफोन तीनों में सबसे अच्छा है ही। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो अभी 680 rupees में आपको मिल रहा है। मैंने जब इसको लिया था तो मुझे 800 या 900 में मिला था, तो अब इसकी प्राइस काफी कम हो गई है। और अगर आपका 700 rupees के आसपास का बजट है तो आप डेफिनेटली इसको परचेस करिए, क्योंकि एक तो इसमें साउंड रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होती है और दूसरा ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। नाउ इन तीनों माइक्स की साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है, ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही प्राइस के बेसिस पे, तो आप अपने बजट के हिसाब से जो माइक आपको पसंद आता है वो आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी कैसे है ताकि उसकी क्वालिटी और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं।